गोंडपीपरी पंचायत समिति के सभागृह में जिला परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगले की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक ली गई। गोंडपीपरी पंचायत समिति के सभागृह में जिला परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगले की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि अनेक सुविधाओं से वंचित गोंडपीपरी तहसील को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाने के लिए अधिकारी एवं पदाधिकारियों के साथ सहयोग करने का प्रयास किया जा रहा है और शासन की हर योजना प्रत्येक गांव में पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस वक्त अनेक कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कन्हाल गांव के रास्ते का वर्क ऑर्डर मिलकर भी काम शुरू न करने पर जिला परिषद अध्यक्ष अभियंता पर नाराज हुए। साथ ही सुमनपल्ली के आंगनवाड़ी का काम पूरा न करते हुए भुगतान लिया गया, यह प्रकार अमर बुडलावर ने उजागर किया। इसके साथ ही चेक पिपरी की योजना में हुए भ्रष्टाचार के साथ ढाबा जलापूर्ति योजना में हुए अनियमितता का विषय इस समीक्षा बैठक में चर्चा का विषय रहा एवं इस संबंध में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश जिला परिषद अध्यक्ष ने जलापूर्ति विभाग को दिया। इसके साथ ही इस तहसील में चल रहे अनेक कार्यों के संबंध में जिला परिषद अध्यक्ष देवरा भोंगले ने संबंधित विभाग के लोगों को निर्देश दिया। इस वक्त मंच पर जिला परिषद अध्यक्ष देवरा भोंगले के साथ जिला परिषद बांधकाम सभापति संतोष तंगड़पल्लीवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, पंचायत समिति सभापति दीपक सातपुते, जिला परिषद सदस्य वैष्णवी बोडलावार, कल्पना अवथरे के साथ अनेक पदाधिकारी तथा अधिकारी एवं गांववासी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सीटीयू के लिए हमारे प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की रिपोर्ट।